खाने ले ले तो। ऑल राइट व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज देखिएगा 30x40 feet वेस्ट फेस है ये लोकेशन जो है आनंद नगर। एंड आज मैं आपको इस घर का जो है प्लान और सेंटर लाइन प्लान दोनों दिखाऊंगा। मार्क इसका कुआं एक्सकेवेशन हो चुका है, आज जो है फुटिंग का वर्क चल रहा है। सो इसके अंदर टोटल 40 नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सभी तरफ जो है 2 feet का ऑफसेट दिया गया। नॉर्थ की तरफ जो है 3 feet 6 inch का ऑफसेट थोड़ा सा ज़्यादा दिया। और इसमें क्या है, 5 रूम है, जैसे 2 रूम रेंटल पर्पस और बाकी का 3 रूम जो है ओनर पर्पस। आप कह सकते हैं उसे 1 BHK या फिर 2 1 RK इस तरह का। वीडियो को देखिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, लेट अस सी। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान दिखाता हूँ, उसके बाद जो है मार्कआउट। सो वर्स इनो जो है सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर एंड ये जो वर्क इनके द्वारा ये चल रहा है, इनका नाम है मोहसिन। इनो अमलापुर के हैं, यहाँ पे नौबाद में जो है इनका फिलहाल इस साइड पे जो है इन्होंने संभाल ले रहे पूरा सेंटरिंग का वर्क। एंड अगर किसी को इनका सर्विस चाहिए बीदर सिटी में तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रेट की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ। सो इनका रेट जो चल रहा है 120 स्लैब एरिया के हिसाब से जो है 120 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। सर्विस चाहिए तो आप टेक्स्ट कर दीजिए या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इवर से फुल व्यू है इस घर का एंड अब यूट्यूब पे देखना तो क्या मारना, आप नंबर सेव करना है, लाइफ इज ऑसम मारो यूट्यूब पे। हाँ, लाइफ इज ऑसम सिविल। ये व्यूअर्स कैसे प्लान बोले तो आपको, ये वेस्ट की तरफ है, वेस्ट से यहाँ से एंट्रेंस दिया गया। ये आपका पार्किंग 9 feet 9 inch by 17 feet 9 inch में, यहाँ पर है हॉल 16x9 feet में। एंड इसके बाद देखिएगा इधर से ये 1 BHK का पोर्शन बेडरूम 11x9 feet। यहाँ पे कुआं आ रहा है तो उसकी वजह से क्या है थोड़ा सा कम हो सकता है, या फिर अगर आप प्लिंथ लेवल पे कुछ बीम लेके सपोर्ट दिए समझो, 30% कुआ छुप गया तो आपको फुल साइज़ मिलता है रूम का। ये पूजा रूम, ये किचन, ये कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, ये हॉल वो 1 BHK प्लस इधर जो है 1 RK टॉयलेट रूम मिल रहा है। कहीं पे तो आप किचन बना सकते हैं, इसको तो किचन चॉइस। अगर वास्तु के हिसाब से होना बोले तो इसको आप बेडरूम बनाओ, इसको किचन बना सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको एक रूम एक कोने में किचन बनाए तो भी और बेस्ट रहेगा, थोड़ा सा इधर दिक्कत हो सकता है। ओके, लेट अस सी। ऐसे व्यूअर्स ये टॉप व्यू मतलब आप देख सकते हैं स्लोपी एरिया थोड़ा सा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ जो है कुआं लिया गया। एंड इधर से ये आपका पूरा ये फुल जो जितना भी जगह है ना आपको पार्किंग बना सकते हैं आप। ओके, आपके ऊपर डिपेंड, नहीं तो दूसरा क्या ऑप्शन, इधर जो है रूम आ रहा है ना उसकी वजह से थोड़ा सा आगे लिया गया। फ्यूचर का भी ध्यान रख के आपको कॉलम का पोजीशन दिया गया। एक्चुअली ये जो है ना इधर आता है प्लिंथ बीम, ये रूम थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी वजह से फिर भी कॉलम वहाँ पे क्यों दिया गया, तो फर्स्ट फ्लोर जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ना उस वक्त आपको दिक्कत नहीं होना, तो वो सब ध्यान रख के यहाँ पे किया गया। एंड यहाँ पर टोटल देखिएगा 14 नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, यहाँ सेंटर किया पार्किंग एरिया, इधर जो है हॉल, ये हॉल हो गया, वो कोने में वो जो बैठे हैं ना उनके बाजू में क्या है बेडरूम आता, उधर जो है किचन, ठीक है, इस तरह का। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 रूम आ रहे हैं ऐसा, वो टॉयलेट रूम हो सब। बात करें तो फुटिंग का साइज़ 4x4 feet का फुटिंग साइज़ दिया गया। फिर उसके बाद जो है फुटिंग जो है 4x4 का लिया गया। एंड सेप्टिक टैंक इधर स्टेयर के सारे इस कोने में, ये सेप्टिक टैंक यहाँ पर ही आता समझो। ओके, तो ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे ये स्टेयर के सारा एक, इधर सेप्टिक टैंक आता इस कोने में। एंड अगर किसी को भी चाहिए आपको इन फ्यूचर में प्लान हो मार्कआउट बिदर में तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर 8095615113। सो आई विश, ये बहुत अच्छा बहुत नीट भी दिख रहा है, मैं आपको टॉप व्यू से दिखाता हूँ वहाँ पर ठहर के।
आई विश अब आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये किचन, ये हॉल, ये एक बेडरूम, फिर उसके बाद इधर जो टॉयलेट रूम आता है, हॉल, एक रूम, फिर यहाँ पे एक रूम आता है। इस रूम को टॉयलेट रूम, इधर ही थोड़ा अटैच आता समझो ऐसा पार्टीशन में। कितना नीट आया देखो, बहुत नीट सिस्टमेटिक रहता। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।